लग गए चाकू में क्या ये पागल क्या। व्लॉग से परेशान होके छोटे भाई ने किया बड़े भाई की चाकू मार के बेरहमी से कत्ल। सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आ गए वापस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जो बात करना ऊपर करेंगे। सबसे पहले ऊपर चलो, वहां पे जाके बताता हूँ क्या है क्या नहीं। ठीक है, बाय। तो कल है महाशिवरात्रि, सबसे बड़ा पर्व पूरे साल का। तो इस पर्व की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं स्टोर रूम में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे साफ सफाई अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बैठ जाएंगे रात भर, तो पूरा रात यहीं पे स्पेंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे साफ सफाई थोड़ी सी कर लेते हैं। बाय द वे, आप भी तैयारी कुछ कर लो कल। बाय द वे, आप भी तैयारी कर लीजिए, कल शिवरात्रि है, कल के लिए तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि कल रात सोना नहीं है। और हर साल नहीं सोता हूँ, पिछले साल भी जब नहीं सोया था तो एक साल बहुत बढ़िया गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, बेस्ट साल गया। इस साल भी कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपका वहाँ पे चलना एकदम मुश्किल है रास्ते में। तो रास्ते में तो ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, हो सकता है शाम में जाए। स्वदेशी मेला भी है, रात में स्वदेशी मेला भी देखने जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कुछ बॉयज़ वगैरह के लिए हुआ, मेन वगैरह लोग के लिए तो खरीदेंगे नहीं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, पर शायद लड़कों के लिए उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। तो तब पर भी जाके रात में एक्सप्लोर करेंगे स्वदेशी मेला में। पर फिलहाल अभी रूम साफ करके सब चीज़ तैयारी करके, क्योंकि कल दिन मिस नहीं करना है, कल रात भर जगना है। अगर आपको भी रात भर जगना है तो आज कमेंट कर देना, क्योंकि ये वीडियो तो आप कल ही देख पाओगे। तो अगर आपको रात भर जगना है तो बता देना कि कमेंट में कि मैं भी रहूँगा, तो मैं भी साथ में व्लॉग बना लूँगा रात भर। ये सारे रूम्स पहले से ही साफ़ हैं एकदम, लेकिन यहाँ पे रात भर जग नहीं सकते क्योंकि लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगे, तो और उसके बाद लोगों को परेशानी होगी। तो बस एक शोरूम ही खाली रहता है, वहीं पे रात भर जग सकते हैं। और देवघर में जो महाशिवरात्रि का होता है ना वाइब्स, कोई उसका मैच ही नहीं। देवघर में हर साल बारात निकलती थी ऐसे कि मत पूछो, देख के आप पागल हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस साल मैं ब्लॉग करना स्टार्ट किया उस साल कोई बारात नहीं निकलेगी कोरोना के कारण। तो बहुत ही दुखद न्यूज़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर लो, एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि ये रात मिस मत करना, सो मत जाना रात में प्लीज, मेरी तरफ से स्टे अवेक। इस रूम को देख के लगता नहीं कि मैं पूरा साफ कर पाऊंगा, पर मुझे बस ये वाला पार्ट साफ करना है। इधर ही कहीं बैठ जाएंगे, ये सब साफ कर लेते हैं। पता नहीं कौन कौन सी चीजें क्या कर रही है, पर ठीक है साफ वाफ करते हैं। ये है हर घर के समर का जुगाड़। तो रूम तो ऑलमोस्ट मेरा साफ हो गया है, बस झाड़ू वाड़ू लगाने की देर है। लाइब्रेरी कार्ड के लिए मैंने FIR तक लिखवाया है, लेकिन अभी मिला है ये कार्ड मुझे। वाओ, ऑलमोस्ट डन, लेकिन ये ऐसी गंदगी साफ नहीं होगी, लगता है पोछा लगाना होगा। तो पोछा लगाने के बाद रूम एकदम साफ हो गया है। बस ये वाला पैचेस जो है वो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर अभी भी वैपोरेट हुआ नहीं है, पर तब पर भी बहुत साफ लग रहा है कंपेरेटिवली। तो इतना ज़्यादा स्पेस है, बस इधर रजाई लगा लेंगे कल और यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो कल की तैयारी अच्छे से हो चुकी है, कल आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर ही लेना, भूलना मत। आइए और ले जाइए, करो वो रात तो सुबह का इंतजार करो। और अद्भुत प्रस्तुति देती है एक बार। Yeah.
दादी आई एम बैक। क्या है देखो यार कुछ तो अच्छा। अरे यार मिठाई, फिर से मिठाई। ये खाली हट तो घर में बस मिठाई ही खाने को है तो वो सब तो खा नहीं सकते हैं। बाद में स्वदेशी मेला जो था वहाँ पे वैरायटीज बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारा चीज़ था, तो लेडीज़ या गर्ल्स लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए कि बैग्स वगैरह थे, मेकअप वगैरह किट के बहुत ज़्यादा थे, तो लेकिन मेन वगैरह के लिए उतना नहीं। और चिल्ड्रन के लिए अच्छा जगह था, वहाँ पे खेलने वेलने के लिए बढ़िया था, स्टेज में प्रोग्राम भी हो रहा था तो अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। बाद में कल लास्ट डेट है उसका, उसके बाद बंद हो जाएगा, तो अगर आपको जाना है तो आज ही चले जाना। तो पूरी तैयारी जैसे कि सोचा था हो गई है, पता नहीं मुझको लग रहा था नहीं हो पाएगा, पर किसी तरह पहुंचा, झाड़ू ये सब हो गया, एडिटिंग वगैरह पढ़ाई लिखाई सब करा दिया, तो सब एक ही दिन में हो गया। अच्छा है, अब बस आज रात किसी तरह सोना है, अच्छे से आज रात सो लूंगा, थोड़ा कल देर से उठेंगे, लेकिन सुबह उठने के बाद फिर पूजा भी करने जाना है बाबा का, साल में एक बार ही करता हूँ बस शिवरात्रि के दिन, उसके बाद कभी पूजा होती नहीं है, तो पूजा भी करने जाना है। उसके बाद सब पूरा दिन जो व्लॉग बनेगा वहीं पे बनेगा, उसके बाद रूम से हिलना नहीं है मुझको, वहीं पे जो करूंगा कल सब वहीं होने वाला है। तो मिलते हैं कल। इफ यू एंजॉय द वीडियो देन डू गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।